अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर तरफ पानी ही पानी देखा जा रहा है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ कल रात, यानी इतवार की रात, शहर हैदराबाद से लेकर तेलंगाना में कई अजला में शदीद बारिश देखी गई। सड़कें जेरे आब हो गई पानी की वजह से, ट्रैफिक दरहम बरहम हो गई, आम जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है, ट्रैफिक जाम हो चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही वाकयात पेश आए शदीद बारिश को लेकर। कार और मोटर बाइक पानी में बह गई। आइंदा 3 दिनों तक कई अजला में बारिश, इतवार की शाम भी ऐसे ही हैदराबाद में और मुख्तलिफ मुकामात पर अचानक तेज बारिश हुई। बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा, जिससे शहर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कृष्णा नगर में बारिश के पानी से मोटर बाइक्स और कारें बह गई। सुबह से ही शहर में मौसम अबर आलूद था और दिन भर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद अचानक बारिश में तेजी हो गई, जो रात देर गए तक वक्फे वक्फे से जारी रही। शहर के चंदा नगर, गच्ची बौली, माधापुर, निजामपेट, प्रगति नगर, पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, अमीनपुर, बंजाराइज, जुबली, फिल्म नगर, मेहदीपट्टनम, टूरी चौकी, लकड़ी का पुल, नामपल्ली और पुराने शहर के कई मुकामात पर बारिश हुई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने इत्तला दी कि शहर हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों तक भारी बारिश होने के अमकान है, जबकि अजला में 5 दिनों तक शदीद बारिश तरीन बारिश के अमकान बताए गए हैं। निजामाबाद, विकाराबाद, संगारड्डी, मेदक, कामारड्डी में शदीद बारिश हो सकती है, जबकि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतिरियाल, सिरसिला, करीमनगर, पिद्दापल्ली और भोपाल पल्ली, कुत्तागुड़म, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और महबूब नगर में बाज मुकामात पर शदीद बारिश की पेश कयासी देखी गई है। और हम भी अपने चैनल के जरिए आप सबसे गुजारिश करते हैं कि बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि महकमा मौसमियात ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसी की वजह से आप बिला वजह अपने घरों से बाहर ना निकले, गरम गरम पकौड़े खाएं और अपने ही घर में टीवी वगैरह देखते हुए इंजॉयमेंट करें।